असटपुरिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम तोरई की सब्जी बनाने जा रहे हैं, यानी भरमा। भरमा तोरई बनाएंगे हम, और आइए हम अपने तरीके से बताएंगे आपको हम कैसे बनाते हैं, आप देखें। इसके लिए क्या क्या जरूरत होगी, तो एक किलो हमने तोरी ली है, एक किलो हमारी तोरी है, और इसमें से 2 चम्मच हम लहसुन और प्याज का पेस्ट बना रखा हमने, तो 2-3 चम्मच इसमें से डालेंगे हम, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, वाइट थोड़ा सा काला नमक डालेंगे 1/4 चम्मच, और आधी चम्मच से मतलब 1/4 चम्मच से तिहाई चम्मच डालेंगे हम, ठीक है। सौंफ ज़्यादा है इतनी इसके लिए, और इतनी से ये हम हरी मिर्चें डालेंगे जो हमने बीच से चीर ली हैं ये, ठीक है। इतनी हरी मिर्चें डालेंगे, और इसके लिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और 1/2 चम्मच हल्दी। अब इसको हम सब मिला लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिला लेते हैं, और इसमें से हम 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर डालेंगे। सौंफ पाउडर है ये पीस के जो हमने बना रखा है, और 1 चम्मच और 2 चम्मच थोड़ा सा और लेंगे, और थोड़ा सा काला नमक, यानी स्वाद अनुसार डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक स्वाद अनुसार, यानी 1/2 चम्मच, अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच और ये 3 चम्मच, 4 चम्मच और ये 5 चम्मच। 5 चम्मच हम तेल लेंगे, छोटी चम्मच हमारी है, ठीक है। मिक्सर हो गया, 5 हो गई, 1 चम्मच और लेंगे हम, क्योंकि तेल कम है, भरमा तोड़ी तेल ज्यादा चाहती है। 1 चम्मच और लेंगे हम, ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और 1 चम्मच हम कढ़ाई को चिकना करेंगे इस तरह से भरेंगे। अब इतना हम हरी मिर्ची का मसाला मिलाएंगे, ठीक है। अब 2 चम्मच हमने तेल लिया हरी मिर्ची के लिए, इतना सा पेस्ट लिया है, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा सौंफ। अब ये हम मिर्ची में भरेंगे, इतना मसाला मिर्ची के लिए ये मिर्ची में भरेंगे हम। अभी हमने सारी तोरी और इसमें हरी मिर्ची भी डाली है थोड़ी सी, तो ये हरी मिर्ची क्यों डाली है, इनसे स्वादिष्ट बन जाती हैं, बहुत अच्छी बनेगी तोरी और खाते में भी अच्छी लगेगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें,
और पसंद है तो डाल लें, बना के खा के देखना। इसे हम बीच की गैस रखेंगे अभी और फिर मध्यम कर देंगे। पानी हमने बिल्कुल नहीं दिया इसमें, ठीक है, और ये इसी में पक जाएंगे। अभी थोड़ा चला दिया, अब थोड़ी हल्की गैस पर इसे पकाएंगे हम। अब इनमें पानी छूट गया है तो इनको अब हम थोड़ी गैस तेज करेंगे, क्योंकि पानी जलाने के लिए हमें गैस तेज करनी पड़ेगी। अब शुरू में हमने मध्यम रखी, अब हम थोड़ा तेज करेंगे। ये थोड़े मैंने 10-15 मिनट हमने पकाई धीमी आंच पर, और 6-7 मिनट हमने खोल के पकाई है। अभी ऐसे खोल के पका दी हमने, ठीक है, और बहुत अच्छी स्वाद खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से, और अब ये पक चुकी है, ठीक है। देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है, ठीक है। अगर ज़्यादा तेल आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा लें ऑयल, और थोड़ा पसंद करते हैं तो थोड़ा लगाएं, ठीक है, अपने हिसाब से। और मिर्ची ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल लें, और कम खाते हैं तो कम खाएं। वैसे मैंने अपने हिसाब से डाली है, तो मैं तो बस ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक है। मैं अपने हिसाब से अपने फैमिली के लिए ऐसे ही बनाती हूँ। अब थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे और इसको उतार लेंगे। बनके तैयार है, अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताएं, बना के देखना, खा के देखना, आपको बहुत पसंद आएंगी। और लाइक करें, शेयर करें, असटपुरिया चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।